हेलो फ्रेंड नमस्कार। इसमें हम लोग हैं तीर्थराज प्रयागराज में और तमाम जो है कि नवरात्रि के सीजन में हम तमाम जो है कि मंदिरों के आपके दर्शन कराते आए हैं और इसी मंदिरों के बीच में हम लोग इस समय आ चुके हैं तीर्थराज प्रयागराज में। और यहाँ पर भी 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है यहाँ पर अलोपी शंकरी पीठ। देखिए अलोप शंकरी शक्ति पीठ मंदिर आप यहाँ पर पीछे यहाँ पर देख भी पाएंगे और प्रबंधक श्री पंचायती अखाड़ा महानिरवाड़ी दारागंज प्रयागराज और इसका एड्रेस अलोपी लगता है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पास में चुंगी चौराहा पड़ता है, वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। और आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर किसी मंदिर किसी जो है कि मूर्ति की पूजा नहीं होती है और यहाँ पर जिस चीज़ की पूजा होती है वो हम आपको चलकर अंदर लाइव दिखाएंगे और लाइव दर्शन भी कराने वाले हैं। जो यहाँ के अगर महंत से मुलाकात होती है तो उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है उसके संबंध में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे किस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। कहा जाता है कि जब सती जी को लेकर भगवान जो है शिव जी जा रहे थे तभी उस समय जो इनका हाथ जो दाहिने हाथ का जो पंजा है वो यहीं पर गिरा था और जब शंकर जी पीछे मुड़कर देखे तो वो हाथ का जो पंजा है वो अलोप हो गया। अलोप संस्कृत भाषा में अलोप बोला जाता है, अलोप माने कि विलुप्त हो जाता है। तो वैसा ही कुछ प्रदेश है यहाँ का। तो हम लोग चलेंगे अंदर और जहाँ के यहाँ के महंत हैं उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी आपको लाइव दर्शन यहाँ पर कराने वाले हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, इधर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उधर से बाईपास कर दी गई हैं। बाकी टोटल ये सामने आप पार्किंग का क्षेत्र यहाँ पर देख पाएंगे, टोटल जो गाड़ियाँ वो यहीं इसी पार्किंग में यहाँ पर खड़ी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मंदिर में आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे उससे पहले ही आपको यहाँ पर किनारे टोटल यहाँ से वहाँ तक दुकानें दिख जाएंगी फूलमाला वगैरह की और इस साइड भी हैं, मतलब दोनों साइड इधर भी सामने इधर भी देख पाएंगे, इधर भी तमाम जो फूल और मालाओं की दुकान है। और इसमें नवरात्रि के इस चैत्र नवरात्रि के सीजन में चुनरियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी और चूँकि इसी समय 9 दिन का ये समय होता है इसी समय जो दुकानें एकदम साज सज्जित रहती हैं। तो सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रयागराज धार्मिक परिक्रमा में अलोपी शंकरी देवी मंदिर से ही यह परिक्रमा स्टार्ट होती है और देखिए तमाम 8 जगहों होकर के यह परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होती है। तो देखिए मंदिर में आप प्रवेश करते ही इस चित्र पर आपकी जो है कि नज़र पड़ेगी तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे बिशुड़ जी ने देखिए यहाँ पर चक्र चलाया है तो हाथ का पंजा देखिए यहीं गिरा हुआ है, उस चित्र को यहाँ पर देखिए प्रस्तुत किया गया है जिस चित्र की हम यहाँ पर बात कर रहे थे जिसका जो है कि शक्तिपीठ जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो उसके संबंध में। और बाकी देखिए ये सामने है द्वार जहाँ पर से हम लोग यहाँ पर एंट्री हुए हैं और आज 8वें दिन इतनी ज़बरदस्त भीड़ आप यहाँ पर देख पाएंगे और लगातार जो है कई लाइनों में यहाँ पर तांता लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए सामने है मंदिर और उससे पहले ही कई लाइनों से यहाँ पर देखे हो करके तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। देखा कि हम लोग अलोप शंकरी शक्तिपीठ के अंदर आ चुके हैं और महाराज जी के हम लोग इसमें कमरे में आ चुके हैं। तो हम लोग महाराज जी से जो मंदिर का ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी आपके समक्ष मुहैया कराने वाले हैं। महाराज जी यह 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ भगवती अलोप शंकरी ललिता अलोप शंकरी का स्थान है और हर शक्तिपीठ के भैरव हैं तो यहाँ इनके भव नाम के भैरव हैं भगवान शिव। और जब भगवती सती के शरीर के जो सुदर्शन के द्वारा जो खंड खंड हुए थे तो उस समय पर जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। तो यहाँ पर भगवती करा अंगुलियाँ जो हाथ के ये हैं ये यहाँ पर गिरा था और यहीं पर फिर भगवान शिव भव नाम से यहाँ स्थापित हुए। आगे ललतेश्वर महादेव जो रोड के ठीक उस बगल में है भगवती के समीप ही है वो यहाँ के भैरव हैं। और यहाँ भगवती कोई प्रतिमा नहीं है, एक वेदी है, वेदी के अंदर कुंड है, कुंड के अंदर एक श्री यंत्र है और उसके ऊपर एक पालना है और पालना माँ और बच्चों के मध्य का एक बड़ा खूबसूरत संबंध को दर्शाता है कि यह जगत और जगत के सभी प्राणी उस भगवती जगदम्बा के लिए पुत्रवत हैं और वो माता की तरह सबका पालन पोषण करती है। तो यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने आप को माँ का पुत्र समझ करके ही उस पालने को नमस्कार करता है, उसको छूता है ताकि भगवती उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करती रहे और भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से उसे राहत मिले और उसकी समृद्धि हो। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो 2 नवरात्र आते हैं उस पर विशेष तौर पे काफ़ी श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में भीड़ रहती है और गुप्त नवरात्रों में भी साधक आते हैं देश विदेश से। और बाकी सोम और शुक्रवार प्रतिदिन वो तो पूरे साल भर चलता है यहाँ, है ना भगवती, क्योंकि गांव लगभग 52 गांवों की कुलदेवी भी है तो वो लोग भी सब आते हैं यहाँ। पहले कढ़ाई चढ़ाते थे, अब घर से ही बना करके लाते हैं और भगवती को भोग समर्पित करके यहीं बैठ के खाते हैं लोग। यह यहाँ की पुरानी परंपरा है और उसी से ये चलता चला जा रहा है। तो अभी इन नवरात्रों में आज महागौरी अष्टमी का आज दिन है, भगवती
क्योंकि काल रात्रि के बाद महागौरी आती हैं, तो महागौरी जो है बिल्कुल एकदम ममता प्रेम करुणा वात्सल्य से भरी हुई महादेवी हैं, जो कि श्वेत वृषभ पे सवार हैं। तो वह ऊर्जा हम सब के जीवन में और सभी भक्तों के जीवन में सकारात्मकता देवे और जितने दुर्गुण हैं उनको दूर करके और जितने भी सद्गुण हैं वो सब हमारे जीवन में आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी गुरु जी, जैसा कहा जाता है कि जब चेचक वगैरह निकल जाता है तो भी जो है कि इनका पानी यहाँ से लोग मतलब अलग अलग शहरों में लोग लेकर यहाँ से जाते हैं। हाँ, यहाँ के बगल में एक जालपा देवी का मंदिर है जो कि इनकी बड़ी बहन कही गई है, वो भी राजा दक्ष की पुत्री रही होंगी, तो वहाँ से भी और माता जी के यहाँ से भी, तो यहाँ कुंडों से जो है जल लिया जाता है और नीम की पत्तियों से उसका छिड़काव किया जाता है माँ का नाम लेकर के, तो जिसको माता कहते हैं ना, माता आ गई है जी जी। तो वैसे वो आज की भाषा में उसको चेचक जो एक रोग चला था तो उसका निवारण भी अपने आप यहाँ होता है, लोग आते हैं और बहुत से वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आता है क्योंकि जिसको पता चलता है तो उसका यहाँ निवारण होता है अपने आप। तो देखें यहाँ पर श्रद्धालु मिले हैं जो कि बेंगलोर से आए हुए हैं, तो इनसे हम लोग जान लेते हैं कि प्रयागराज में और कौन कौन से जो टूरिज्म के जो प्लेस हैं वो आप यहाँ पर भ्रमण किए हैं। त्रिवेणी संगम में नाना है, सुबह में वेणी दान के उधर इंदिरा गांधी का बर्थ प्लेस दिखा है, भरतबाद आश्रम और यहाँ से वेणी महादेव दर्शन के जारी में जी। मैं ग्रुप लीडर हूँ, मेरे के साथ 40 लोग बेंगलोर से आया है पूरा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो कि अभी आपका दर्शन हो चुका है कि नहीं? अभी अभी नहीं, अभी अभी इधर मालूम हुआ आज वसंत नवरात्रि का अष्टमी है, दुर्गाष्टमी, बहुत भीड़ है, देखना दर्शन हो गया नहीं होगा। भीड़ तो जबरदस्त है भाई, जैसा कि हम आपको एंट्री गेट पर ही दिखाए थे, भीड़ जबरदस्त है। इनके साथ देखे 40 लोग जो है बेंगलोर से यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखिए जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि भीड़ कितनी जबरदस्त है, तो इस भीड़ को जो है मेंटेन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर दरवाजे पर से जो गेट है वहाँ से लगभग भीड़ जो है बाहर तक आ चुकी है, मतलब लगभग रोड पर जो है वहाँ पर जो है कि जो श्रद्धालु हैं वहाँ तक खड़े हैं, और इस लाइन को देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आगे ले जाया गया, फिर से वहाँ से टर्न हो करके फिर ऐसे ही कतारबद्ध होकर के 4-5 राउंड में ऐसे जलेबी नुमा राउंड होकर के तभी आप जो है कि यहाँ पर मंदिर के कपाट में यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। और सामने आप देखिए जो कपाट है वो खुल भी चुका है, तो जल्दी हम आपको यहाँ पर दर्शन भी कराने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में जहाँ पर देखिए गर्भगृह है, बगल में आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जत्थे यहाँ से बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, 3-4 जो है कि कतारबद्ध होकर के यहाँ पर जो है कि प्रवेश कर रहे हैं, और हम लोग चलेंगे अंदर आपको भी दर्शन कराएंगे, यहाँ पर कैसे दर्शन हो रहा है वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो देखिए मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता यहाँ पर आप सामने देख पाएंगे, इन्हीं जो है कि इस द्वार से जो है जो ये प्रवेश द्वार है वहाँ से देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर कतारबद्ध होकर के जो लोग यहाँ पर निकालने का काम कर रहे हैं। सामने जो है कि सामने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर माता के दर्शन आप कर पाएंगे, और जो कि जगह यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, और यहाँ जैसा कि गुरु जी ने यहाँ पर बताया भी था यहाँ पर एक पालने की पूजा होती है, और नीचे जो है कि आपका जो है जो कुंड है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और बाकी देखिए कुछ उधर भी पंडित जी लोग लगे हुए हैं दर्शन कराने के लिए, कुछ इधर भी हैं, और बाकी देखिए सामने ये एग्जिट द्वार, इसी जो एग्जिट द्वार से होकर के जो है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि इस समय आज अष्टमी के दिन इतना जबरदस्त भीड़ है आप स्वयं ही यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए इस मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के बाद अलोपी माता के यहाँ पर देखिए उनकी बड़ी बहन है माँ भगवती जालपा देवी, तो यहाँ पर भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, जो तमाम श्रद्धालु उनको भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ पर जो है कि वहाँ से दर्शन करके मात्र 50 मीटर की दूरी पर उन्हीं के प्रांगण में से ही क्रमबद्ध होकर के यहाँ पर कतारबद्ध होकर के लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे फूलों से सुसज्जित माँ जालपा देवी का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुंड, और जो कि जैसा कि आपको पता है कि माता जी जब वगैरह निकलती हैं तो इनका भी जल लेकर के जाया जाता है, जैसे कि जो कि जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। Thank you.
पर सामने आप देख पा रहे होंगे अलोप शंकरी देवी का सामने शक्तिपीठ है। वहां से दर्शन करने के बाद जब आप यहां पर पहुंचेंगे ललितेश्वर महादेव का जो मंदिर है, आप सामने देख पा रहे हैं मालोपी शंकरी जी के भव भैरव हैं। और जैसा कि अभी गुरु जी ने यहां पर बताया था कि यहां पर अलोप शंकरी जी माता के दर्शन करने के बाद आपको जब यहां पर दर्शन कर पाएंगे तब आप कहा जाता है कि पहले अलोप शंकरी देवी के दर्शन करने के बाद जब भव भैरव के दर्शन कर लेंगे तो जो आपका जो कामना है, जो भी आपके जो दर्शन है, वो यहां पर पूर्ण माना जाता है। बाकी हमने आपको दर्शन कराया भी और हम लोग पहुंचे थे तो अभी आरती चल रही थी 7:15 से 8 बजे के मध्य, और सायंकाल आरती का समय भी वही है। तो आप लोग यह भी नोटिस लीजिएगा 7:15 से 8 बजे तक आपके यहाँ पर आरती चलती है। और अभी देखिए फिर से जो आरती अभी आगे चल भी रहा है और लगातार जो है कि लोग श्रद्धालु जो भी वहाँ दर्शन करके वहाँ से निकल रहे हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एग्जिट गेट भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, सामने से देखिए जो अलोप शंकरी का एग्जिट गेट है, इधर से भी लोग यहाँ से बाहर निकल हैं। बाकी दुकानें तो आप देख ही पा रहे हैं कितनी साज सज्जित इसमें हैं। और बाकी देखिए अभी अंदर जो है कि आरती चल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, नवरात्रि में हमने आपको अलग अलग जगह दर्शन भी कराए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। माता बिंदा चलो, चाहे अष्टभुजा हो, चाहे कालिक हो, चाहे यहाँ का दर्शन हो, हमने जो कि आपको नवरात्र के पहले भी वहाँ पर त्रिकोण के दर्शन कराए थे नवरात्रि में भी, और फिर हम लोग अष्टभुजा के अष्टमी के दिन हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दर्शन करा दिया है। वीडियो कैसा लगा और जो है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।